यूएस बन सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और ये चेंजेस जो हो रहे हैं, इन्हें भारत के लिहाज से किस तरह से देखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी तक कर्नल शैलेंद्र, हम देखें, मिर्जा साहब मैं आ रही हूं, अभी तक अगर हम देखें तो शेख हसीना का और भारत का जिस तरह का संबंध रहा है, या उन्होंने हमेशा से ये चाहा कि अच्छे संबंध रहे, पूर्व में जैसा रिश्ता रहा है, लेकिन अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इंटरनेशनली इस बात को इवैल्यूएट करें, कहना बड़ा आसान है कि चलिए जी, हसीना ने हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखे, बांग्लादेश की जरूरत है भारत, और भारत उस जरूरत को पूरा करता है। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बात आती है, सब अपनी अपनी कंट्रीज को देखते हैं। बिल्कुल, आप बेसिकली, आप अगर एंटी हैं, जैसा अगर आपको याद आएगा, बाइडेन साहब जब आए थे तब बोला गया था वो एंटी इंडिया है। कितना बढ़िया काम चला है, कमाला हैरिस एंटी इंडिया है, उस समय ये बोला गया था। देखिए, कंट्री के जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, टेक्निकल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, इसके ऊपर भारत खरा उतरता है जहां तक बांग्लादेश का सवाल है। और उसमें शेख हसीना ने बांग्लादेश को वो सारा फायदा दिलाया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमारे को क्लोज नजर आती है। अदरवाइज उन्होंने अपना कोई देश थोड़ी ना बेच दिया हमारे लिए, और ना हमने अपना बेच दिया। हमने इन सभी कंट्रीज को, इवन अगर आपको याद हो, सिमिलर सिचुएशन श्रीलंका में हुई थी, तब भी हमने सपोर्ट किया था, हमने ऑयल भी दिया था, हमने लोन भी दिया था, हमने चैरिटी भी करी थी कि इस तरह की सिचुएशन खराब ना हो। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो नई लीडरशिप आएगी, अगर वो चैलेंजिंग रही, तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश के हाल बद से बदतर होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह इस समय एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई एक अच्छा स्टैंड ले पाएगी अपने खुद के कंट्री के लिए। एक न्यूट्रल भी वो होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो पूरी आग है, वो धधकनी कहां से शुरू हुई। नौकरी में आरक्षण सिस्टम जो है, वो भी आपको यहां पर समझना होगा। उसके बाद हम वापस लौटेंगे अपने गेस्ट के पास, लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पहले क्या था, ये आग धधकी। लेकिन इन दो महीनों में, और खासतौर पर अगर पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में अगर हम कहें, तो ये उससे आगे कहीं निकल गई। मतलब ये मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उससे कहीं और आगे बढ़ गया। अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले कितना वो था, 56%। अब हम उसको किस तरीके से अलग अलग कर दें, 56% बल्कि 80% था, फिर बाद में वो किया गया था। हम स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे का अगर इसमें बात करें तो वो 30% उसमें था। पिछड़े जिलों की बात करें तो 10% उनके लिए था। अल्पसंख्यकों की बात करें तो 5% उनके लिए था। विकलांग दिव्यांगों की अगर बात करें तो उनके लिए 1% था। और महिलाओं की बात करें तो उसमें 10% था। और मेरिट की अगर हम बात करें तो 44%। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, उसे ठीक बदल दिया और सिर्फ 7% आरक्षण जो है वो रह गया। मतलब ये कि कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि 93% मेरिट होना चाहिए। और यही दरअसल उन छात्रों की, वो जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी भी मांग थी। और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे के लिए अब ये कितना हो गया, ये 5% अब घटकर रह गया है। और वहीं ट्रांसजेंडर्स या फिर हम दिव्यांगों की यहां पर बात करें तो 2% उनके लिए, ये अब की स्थिति की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5+2, 7%। और मेरिट उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 93%। तो ये दरअसल पूरा ये मामला। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ, वो नहीं थमा। उसके बाद भी वो सड़कों पर इसी तरह से रहे। लेकिन आप ये देखिए कि संवाद चूंकि इस बीच स्थापित नहीं होता है, हालांकि शेख हसीना की ओर से ये कहा गया था कि ठीक है, वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। प्लस कोई सॉल्यूशन इस तरह का निकलता जब उनको नजर नहीं आया, तो फिर ये आग और ज्यादा भड़कने लगी। लेकिन फिर आप ये देखिए कि किस तरह से ये आग धधकते धधकते यहां तख्ता पलट तक जा चुकी है। लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बांग्लादेश की, हम यहां आपको यहां पर बता दें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था। उसने अपना ये फैसला सुनाया था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 5% आरक्षण उनको देना होगा, ये आदेश दिया गया। और बाकी अगर बात करें तो बाकी 2% कोटा जातीय अल्पसंख्यकों और साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये 2% कोटा रखा गया। मतलब साफ तौर पर ये कहा गया कि 93% मेरिट के आधार पर होना चाहिए।
उनकी तरफ से ये सवाल दरअसल उठाया जा रहा था कि भाई ठीक है उन्होंने उस वक्त जो किया किया, लेकिन उनके नाती पोते इन सबको आखिर ये क्यों दिया जाना चाहिए, ये उनकी मांग थी। जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका ये कहना था कि क्यों नहीं मेरिट के आधार पर ये होना चाहिए और क्यों बार बार आखिर ये उनको मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट का जो फैसला है वो सामने निकल कर आया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि दिल्ली पहुंचेंगी शेख हसीना अब से कुछ ही देर में, वो खबर आपके सामने होगी। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको बताएगा, लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि शाम में दिल्ली से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। दिल्ली में हसीना के विमान की रिफ्यूलिंग होगी, फिर रिफ्यूलिंग के बाद उड़ान भरेगा हसीना का विमान, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। जिस तरह से पहले भी हमने आपको बताया कि शेख हसीना की ओर से जो जानकारी आ रही है कि किसी तरह का कोई संरक्षण जो है, राजनीतिक संरक्षण जो है, उसकी मांग नहीं की गई है। एक क्विक रिएक्शन में जरा उस टाइम मिर्जा साहब को मैंने रोक लिया था, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे कर्नल शैलेंद्र की बात पर। नहीं नहीं, काउंटर मैं नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है शेख हसीना का इस तरह से इक्तदार से बेदखल किया जाना। और ये कोई ये पॉपुलर मूवमेंट या ये, और ये कोई फौज का जर्नैल जिस तरह ये फरमा रहे थे एम्बिशियस, ये उसकी एम्बिशन से इसका कोई लेना देना नहीं, ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कू है। और मैंने दो हफ्ते पहले अपने आर्टिकल में ये सवाल उठाया था, उसका टाइटल था इज बांग्लादेश इंचिंग टूवर्ड्स मार्शल लॉ विद अ क्वेश्चन मार्क। चीजों को सही चीज से उनको पुकारना चाहिए, और ये एक अमेरिकन स्लैश पाकिस्तान स्लैश आईएसआई स्लैश इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बैक कू है, ये बांग्लादेश को अगर बहुत पीछे ले जाएगा, और यही चाहते हैं वो। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे एक ऐसे सरकारें हों जो अपनी अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो वहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को डिसाइसिव डिफीट दे सकें, वो नहीं चाहते ये वेस्ट वाले। वो चाहते हैं ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का वजूद कायम रहे, चाहे इंडिया है, कश्मीर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, ये कायम रहे, वीक हो लेकिन कायम हो, क्योंकि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिएक्शनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके जरिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ जब कोई मूवमेंट चलती है तो इनको इन्फिल्ट्रेट करा के उसको वायलेंट किया जाता है, और फिर इनके लोगों को ऊपर उठाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, और फिर ये एक स्टबर्न लीडरशिप के शक्ल में सामने आता है, जो कह रहे हैं मुजाकरात नहीं करेंगे, मुजाकरात नहीं करेंगे। ये बार बार रिपीट होती है चीज। अभी मैं ये समझ रहा हूं कि ये देखे ना, अभी जो तस्वीरें दिखा रही थी आपके इस शो में हिमानी, वो कि शेख मुजीब के वो स्टैचू को हथौड़े से तोड़ रहा है, तो शेख मुजीब का क्या लेना देना है इस मूवमेंट से? वो मतलब है कि सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जिस शख्स ने बांग्लादेश को आजाद किया, बनाया, जो फादर ऑफ द नेशन है, उसके कौन है जो उसके तोड़ रहा है पुतला? तो ये सारी एक विजुअल इमेजरी कायम की जा रही है, ठीक है, और ये बड़ा खौफनाक सिलसिला है। जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो खौफनाक ही है, वो भयावह ही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे छूट दे दी गई है वहां के लोगों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि टाइम ओवर हो गया है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही।